So now the car is properly cleaned. I cleaned the tires, wheels and the windows, inside of the windows also, and now the car looks very beautiful. So hello guys, welcome back to the channel. So in this video I will going to clean the car. Yeah, I am not going to use any of the professional product, that 3MK shampoo or clay bar or anything. I will only use water, soapy water and brush and clean clothes. That's all, nothing else, no clay bar and nothing. I will show you the car first, that in which condition the car is right now. As you can why the car comes in this situation, I will explain first. ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इंडिया में जो एयर है उसमें थोड़ी धूल मिट्टी रहती है, तो जो वो मिट्टी है वैसे सीट होती है सब जगह पे. जैसे ये कार है उसकी सरफेस पे थोड़ा फ्रिक्शन रहेगा, तो वो सब धूल वहाँ पे आ जाएगी और एयर चली जाएगी. और थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है मेरे घर के पास बाजू, तो वहाँ से भी धूल मिट्टी उठी रहती है. और रोड पे भी बहुत सारी धूल मिट्टी है. तो अगर कोई गाड़ी ऐसे पास होगी पास से, तो ऑब्वियसली जो एयर होगी वो सब धूल मिट्टी को रोड से उठा के एटमोसफियर में ट्रांसफ़र कर देगी, और वो फिर गाड़ियों पे या फिर से रोड पे चली जाएगी. तो इसलिए ज़्यादातर गाड़ियाँ धूल मिट्टी वाली होती है. तो वही चीज़ आप देख सकते हो कि इंजन में भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है मोस्ट ऑफ इंडियन कार्स में, तो यही एक रीज़न है. सो मैं ये पूरी प्रोसेस बताऊँ, उसके पहले आपको थोड़ी बातें मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये जो गाड़ी है पहले से ही रीपेंटेड है. सो जो पेंट कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, कई जगह पे क्रैक्स है, कई जगह पे रस्टेड है, बहुत सारी जगह पे रस्ट आ ही गया ऑलमोस्ट. सो आफ्टर द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनली जो आउटकम होगा वो एकदम शाइनी पेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा डल हो ही गया ऑलमोस्ट. वो मैं कंसिडर करना चाहूँगा. आपको भी अपनी गाड़ी अगर साफ़ करें तो आप पहले वो देख लो, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में गाड़ियाँ बाहर ही रहती है सनलाइट में ऐसे ही. सो उससे जो क्लियर कोट होता है वो ऑलमोस्ट फेड हो जाता है, जो उसकी शाइनिंग होती है वो भी चली जाती है. आप अगर उसको रिस्टोर करना है तो आपको प्रोफेशनल के पास ही जाना है, वो कटिंग कंपाउंड सब लेके वो यूज़ करते हैं, तो थोड़ी प्रोसेस अलग है. ये सिर्फ ओनली नॉर्मल क्लीनिंग जो हम घर कर सकते हैं विदाउट एनी यूज़ ऑफ एक्सटर्नल कंपनी प्रोडक्ट लाइक 3M और एंटिंग, कोई भी यूज़ करें बिना. मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हो सकता है, और नाउ मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या क्या यूज़ करने वाला हूँ. फर्स्ट, सो दिस इज़ द ओनली सेटअप आई एम गोइंग टू यूज़, मतलब इसमें क्लोथ्स आएंगे ऑब्वियसली. सो दिस इज़ ओनली क्लीन वाटर एंड दिस इज़ द सोपी वाटर. सो नॉर्मल टू बकेट मेथड होती है, जिसमें वन क्लीन वाटर होता है, वन सोपी वाटर होता है, और या फिर वन क्लीन वाटर होता है और वन प्रेशर वॉशर से सोप वाटर को गाड़ी पे स्प्रे करते हैं, तो बाद में उसको साफ करते हैं. इफ़ यू डोंट हैव दैट प्रेशर वॉशर मशीन एंड यू कैन अफोर्ड इट, दो ये वाला बहुत अच्छा चीज़ है, ये बजट में अच्छा आएगा. ये ऑलमोस्ट शायद तक 200-300 रुपीस होगा. अगर मेरे पास लिंक होगी अमेजोन या किसी की तो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा. पर ये अच्छा है क्योंकि ये वैसे ही काम करता है, और आप नोजल से वो चेंज भी कर सकते हो कि जो स्प्रे है वो पूरा स्प्रेड हो या फिर एक नोजल की तरह हो, तो वो भी होगा इसमें. तो ये अच्छी एक कॉमन बजट चीज़ है. और मैंने उसमें हेयर शैम्पू ही डाला है, क्योंकि हेयर शैम्पू थोड़ा सॉफ्ट होता है, और अगर इफ़ यू आर यूजिंग बॉडी सोप और क्लोथ क्लीनिंग सोप जो हमारे वोट रीम और वो सब मत यूज़ करना, वो कलर पे बहुत हार्ड होते हैं, और शायद कलर का जो रियल जो कलर शाइन है वो फेड हो जाए, या फिर जो क्लियर कोट ऊपर का है वो ज़्यादा फेड हो जाए. एक अच्छा सॉल्यूशन है अगर आपको वो जो महंगे कार वॉश शैम्पू आते हैं वो नहीं लेने हैं, तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ आज. सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस. फर्स्ट, सो फर्स्ट आई विल गोइंग टू डस्ट ऑल लूज पार्टिकल विथ सम ग्रूम और एनी क्लोथ. जैसे कि इधर है पूरी गाड़ी अभी पूरी डस्ट में ही कवर्ड है ऑलमोस्ट, सो आई विल जस्ट ग्रूम इट फास्ट. सो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके लिए भी मेरे पास एक है ऑप्शन. सो ये ऑप्शन दूसरा, मैं ये ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है. अगर आपको 20 ऐसे साफ़ करनी है, जैसे डस्टी कार है, आपने थोड़े दिन पहले क्लीन किया है तो उतनी गंदी नहीं होगी. अगर बारिश नहीं है तो समर विंटर में सिर्फ धूल ही लगती है, जो लूज डर्ट होती है वो, तो आप इसको इससे ऐसे ही आप पूरा निकाल सकते हो अच्छी तरह से. जस्ट लाइक वी क्लीन अवर हाउस विथ ब्रूम, वैसे ही अपने अपने गाड़ी को ऐसे साफ़ करना है, वो पूरी डर्ट निकल जाएगी. और उसके बाद में मैं पूरे एक क्लीन वाटर से पूरा एक बार साफ़ करूँगा, और उसके बाद सोपी वाटर से स्प्रे करूँगा, उसको भी ऐसे थोड़ा एजिटेट होने दूँगा, और बाद में उसको भी क्लीन करके क्लीन क्लोथ से एक बार पूरा साफ़ कर दूँगा, और डेट्स इट. और व्हील्स भी साफ़ करने पड़ेंगे, उसके लिए मैंने ये ब्रश लिया है.
ये थोड़े सॉफ्ट ब्रिसल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत हार्ड भी है, नॉर्मल हार्डनेस है। तो उससे क्या होगा कि जो भी डर्ट और कुछ भी होगा इसमें ऐसे बीच में डिज़ाइंस में होगा तो वो निकल जाएगा। तो ये है पूरा टायर के लिए। मैं टायर शाइनर ऐसा कुछ नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि उससे सिर्फ शाइनिंग आती है, ब्लैक शाइन, और वो भी आई थिंक 1 to 2 week रहती है। तो उसके लिए ऐसे 300-400 रुपये वेस्ट करना कुछ मतलब नहीं है। और इंडिया में टायर्स गंदे ही हो जाते हैं क्योंकि रोड पे डस्ट होती ही है और कीचड़ और वो सब होता ही है। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल फर्स्ट फास्टली डस्ट होल डस्टी पार्टिकल्स, लूज पार्टिकल्स विद दैट ब्रूम। ऑलमोस्ट डस्ट डस्टी पार्टिकल्स मैंने थोड़े धूल ऑलमोस्ट निकाल दिए। तो अभी ये गाड़ी ऐसे दिख रही है। सो धूल ऑलमोस्ट चली गई है, पर जो ऐसे दाग रह जाते हैं कीचड़ के वो रह जाते हैं थोड़े बहुत, वो ही अब क्लीन करने हैं। ये विंडो पे भी थोड़े दाग है यहाँ पे, और ये भी है। सो मैंने बोला था कि मैं पहले क्लीन वाटर से साफ़ करूँगा, उसके बाद में सोपी वाटर से पूरी साफ़ करूँगा, पर आई विल जस्ट चेंज द सीक्वेंस ऑफ दैट स्टेप। तो मैं वो पहले सोपी वाटर से साफ़ करूँगा, उसके बाद मैं क्लीन वाटर से साफ़ कर उसके बाद मैं शायद क्लीन वाटर से नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जो भी क्लॉट है उसको मैं क्लीन वाटर में पहले एक बार फिर से स्क्वीज़ करूँगा, क्योंकि ताकि वो जो क्लीन जो क्लॉट में जो भी डर्ट डर्ट पार्टिकल है वो सब वाटर में चले जाए, क्लॉट फिर से क्लीन हो जाए। सो जो भी स्टोन्स और चीप्स है वो मैंने पेंट, जो भी पेंट बचा है गाड़ी पे उसके ऊपर अब के और ज़्यादा स्क्रेचेस ना पड़े, क्योंकि पहले से ही पेंट बहुत ज़्यादा स्क्रेच्ड अप है, क्योंकि डॉग्स को गाड़ी पे चढ़ के सोना बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली मैं डॉग्स को नहीं मार सकता क्योंकि उनके पास कोई और जगह नहीं है, तो वो गाड़ी पे सोचते हैं तो कुछ नहीं अब चलने देते, क्योंकि पेंट वैसे भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था, तो आई लेट इट बी। सो दैट्स वन थिंग आई विल कंसिडर, दैट वो स्क्रैच नहीं जाएंगे ये सब प्रोसेस से। उसके लिए वो स्पेशल डिटेलिंग प्रोसेस आती है, वो आप कहीं पे और कोई और वीडियो में भी देख सकते हो, कोई प्रोफेशनल वीडियो बना रहा होगा वहाँ पे, क्योंकि मैं ये सब घर पे नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल भी लगता है और मशीन्स भी चाहिए। सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट क्लीनिंग विथ कार विथ सोपी वाटर। सो आई विल यूज़ दिस माई बॉटल, सो इट इज़ नाउ इन जेट मोड एज यू कैन सी। सो आई विल चेंज इट इन टू स्प्रे ताकि थोड़ा बहुत ज़्यादा कवरेज हो, जस्ट पुट इट इन एंड इट विल बी स्प्रेइंग लाइक दिस, इफ होप यू कैन सी। सो उससे मैं पूरी गाड़ी को पहले स्प्रे करूँगा, उसके बाद से क्लोथ से पूरा साफ़ करूँगा, और उसके बाद में क्लीन वाटर जो भी होगा उससे ट्राई करूँगा साफ़ करने की, वो हो जाएगा ऑलमोस्ट। लेट्स सी इफ आई चेंज एनी ऑफ दिस स्टेप, आई विल लेट यू नो। Now I did one mistake, that I dropped the cloth and it is now full of dirt as you can see. So what I will do, I drop it in a clean water bucket and squeeze it for some time, and to ye so jo bhi dhool mitti isme chipke wo nikal jayegi। So there is a little bit change in plan, to maine kya kiya abhi, ye puri gaadi ko pehle soapy water se pura soak kiya, उसके बाद मैं क्लीन क्लॉथ से साफ़ किया, उसके बाद मेरा मेरे पास ड्राई क्लॉथ था उससे फिर से एक बार साफ़ किया ताकि वो जो भी वाटर है वो सोक कर ले ड्राई क्लॉथ। तो इससे क्या होगा कि वो जो वाटर स्टेन्स होते हैं वो नहीं आएंगे कोई भी कांच पे या फिर बॉडी पे, कहाँ का पेंट है जो भी वो एटमोस्ट क्लीन हो जाएगा विदाउट एनी डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर मार्क्स या वाटर स्टेन्स। तो ये मैंने थोड़ा अपना फॉर्मूला बनाया कि पहले सोपी वाटर से सोक करो, बाद में क्लीन क्लॉथ से उसको साफ़ करो, उसके बाद में ड्राई क्लॉथ से उसके ऊपर एक बार फिशे रन डाउन कर दो, बस हो जाएगा गाड़ी क्लीन हो जाएगी, ऑलमोस्ट क्लीन हो जाएगी।
सो वन थिंग आई वॉन्ट टू से दैट जो ये चैनल्स होती है ये पानी के लिए होती है, जो बारिश का पानी है वो ऐसे यहाँ पे स्लाइड होकर बाद में नीचे चला जाए, तो यहाँ पे ज़रूर देखना क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर्ट होता है। अभी मैंने प्रेशर वॉशर से सिर्फ इसमें थोड़ा सा पानी डाला तो बहुत सारी डर्ट ऐसे बाहर आई, तो इसको बहुत ध्यान से क्लीन करना है, या फिर इसको लास्ट में क्लीन करना है या फिर सबसे पहले इसको क्लीन कर देना ताकि ये जो डर्ट है बाद में क्लीन सरफेस पे ना जाए, क्योंकि एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, यहाँ पे अभी भी फिर से डर्ट आ गई है यहाँ से ऐसे निकल के, तो ये बात पहले ध्यान रखना। सो ये सब डर्ट निकला यहाँ से, वेरी डर्टी राइट हियर, जस्ट अ लॉट ऑफ मड। Just put it in. And that's why I'm keeping the clean water here, because cleaning the car after so many years can be very messy job to do. So ये soft pistol तो tension नहीं है, paint को scratch कर नहीं करेगा इतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत हो सकता है पर white paint पे नहीं दिखेगा, तो कार इज ऑलमोस्ट क्लीन, बहुत अच्छी लग रही है अभी, पर अभी भी व्हील्स बाकी है और ये थोड़ा आगे का जो ये चैनल होती है जहाँ से रेन वाटर जाता है वो वाला बाकी है बस, और मुझे मिरर के अंडर साइड से साफ़ करना है क्योंकि जो फिंगरप्रिंट्स है, इफ़ यू कैन सी और नॉट देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिंगरप्रिंट इनसाइड देयर, सो आई हैव टू क्लीन दैट ऑल्सो, तो ये वो एकदम अच्छी शाइनिंग आएगी। और जैसे स्कर्ट्स है वो प्लीज़ प्रॉपरली साफ़ करना क्योंकि वहाँ पे अगर डर्ट जमी रहेगी तो वहाँ पे फिर रस्टिंग चालू हो जाएगी, जैसे यहाँ पे दिस टाइप ऑफ रस्टिंग विल स्टार्ट एंड ऑल्सो दिस एरिया विल हैज़ टू बी क्लीन, नहीं तो यहाँ पे भी रस्टिंग ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। जो केयर करना चाहिए था वो नहीं हुआ इसलिए थोड़े से स्पॉट्स पे रस्टिंग हो गई है। एक और चीज़ है जो ये वाइपर ब्लेड है उसके अंदर से ऐसे साफ़ करना, नहीं तो जो डस्ट है यहाँ पे ऐसे जमा होता है वो यहाँ पे ब्लेड पे जम जाता है, वो फिर से विंडशील्ड पे आ जाएगा। और जो इंटीरियर क्लीनिंग है वो मैं अभी नहीं करने वाला क्योंकि इंटीरियर क्लीनिंग के लिए थोड़े और अच्छे प्रोडक्ट्स है, वो अपने घर के सोप और वो सब से नहीं होता है। अगर मैंने कुछ ऐसे वे निकाल दिया तो मैं ज़रूर उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। नाउ आई विल क्लीन द व्हील्स। तो अब व्हील साफ करने के लिए पहले पूरे व्हील को बराबर सोप कर लीजिए, ताकि जो भी लूज डर्ट है वो पहले ही निकल जाए। वन मोर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने गाड़ी अभी चलाई है और ब्रेक और वो सब गर्म है तो ये व्हील वॉश मत करना, क्योंकि जो ब्रेक पैड्स और जो डिस्क होती है वो बहुत ही गर्म होती है, और उसके ऊपर अगर आप ऐसे पानी डालोगे, ऐसे ये जो होल्स है वो वहाँ से पानी जाता है, अगर वहाँ पे पानी डालोगे तो शायद तक वो जो डिस्क होती है वो क्रैक हो जाएगी और आपको नहीं लेनी पड़ेगी, इसीलिए तो ये पार्ट मत करना अगर गाड़ी गर्म है तो, थोड़ी देर ठंडी होने देना और बाद में ये सब क्लीन करना, और उसके बाद में ये ब्रश है उससे साफ कर लो। और यहाँ पे जो भी पेंट होगा वो स्क्रैच हो जाएगा तो कोई पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्रैचअप भी होता है इंडिया में, क्योंकि रोड्स की वजह से जो कंकर मिट्टी आते हैं उसकी वजह से ये स्क्रैच हो जाते हैं, वैसे पूरा घिस के ये निकल जाएगा। But
बराबर से करना, ईच एंड एवरी पार्ट हैज टू बी क्लीन। और बाद में क्लोथ से साफ कर लेना। और व्हील सबसे डिस्गस्टिंग पार्ट होता है, क्योंकि जो भी ब्रेक डस्ट होते हैं वो सब व्हील के ये कवर पे आ जाते हैं, तो इसलिए वो वहाँ से बहुत ज़्यादा डस्ट निकलेगा। तो ये लास्ट में करना, क्योंकि जो भी डर्टी वाटर होगा आपका बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाएगा, तो वो फिर क्लॉट को और गंदा कर देगा रादर देन क्लीनिंग पर्पज़ से, तो वो ध्यान रखना। और क्लॉथ बार बार ऐसे नीचे यहाँ पे लगता रहेगा तो उससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। सो दैट्स इट, व्हील क्लीन हो गया। सो दैट्स हाउ आई विल डू द रिमेनिंग थ्री एंड आई विल मीट यू देन। आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस बाई वॉशिंग द कार इन दिस वे, तो आपका थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा, अच्छा आइडिया भी मिल जाएगा। सो नाउ द कार इज़ प्रॉपरली क्लीन, आई क्लीन द टायर्स, व्हील्स एंड द विंडोज, इनसाइड ऑफ द विंडोज ऑल्सो, एंड नाउ द कार लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, इट इज़ वेरी क्लीन राइट नाउ। सो नाउ आई सेड दैट आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन द एक्सपीरियंस आई वॉश विद दिस मेथड। इफ यू सी फर्स्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, ताकि भी डस्ट धीरे 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 नीचे आए, ताकि जो नीचे नीचे की गाड़ी है वो पहले से ही डर्टी है। अगर वो पहले क्लीन कर दोगे और ऊपर से डर्ट सब नीचे आएगा तो वो फिर से डर्टी हो जाएगी, आपका डबल टाइम वेस्ट होगा ये सब क्लीन करने में। और ये मुझे शायद से 2 घंटे लग गए ऑलमोस्ट पूरी इस तरह से क्लीन करने में। सो फर्स्ट टिप इज़ डैट डैट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। दूसरा टिप ये है कि दिस वाटर इज लिटिल बिट स्मॉल, ये छोटा पड़ा पड़ेगा पूरी गाड़ी प्रॉपरली साफ़ करने के लिए। मुझे 2 पूरे कंटेनर लगे ये पूरे साफ़ करने में। सो यू विल फिल द शॉर्टेज ऑफ वाटर, सो कीप सम वाटर सोर्स विद यू, सो यू डोंट हैव टू गो अगेन टू रिफिल इट। सो कीप सम सोर्स ऑफ वाटर विद यू। सो तीसरी टिप है कि जब भी आप डस्टिंग करो तो आप थोड़ा ऑब्जर्व कर लो कि कौन से पार्ट ज़्यादा गंदे और कौन से कम डर्टी है, जो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन से पार्ट पहले करने चाहिए। जो भी पार्ट ज़्यादा डर्टी है वो उसको पहले क्लीन करो, ताकि आप बाद में अगर अगर पहले बाकी का सब क्लीन कर दिए और बाद में डर्टी पार्ट क्लीन करने बैठे तो जो डर्टी वाटर का स्प्लैश होगा वो फिर से गंदा कर देगा उसके सराउंडिंग एरिया, तो आपको फिर से वो साफ़ करना पड़ेगा और वो फिर से एक टाइम वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ये मुझे 3 टिप जो करने चाहिए थे ताकि मेरा टाइम बच जाता। दैट्स ऑल, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी ऑफ दिस प्रोसेस देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो आई कैन मेक मोर वीडियोज ऑन दिस। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच अबाउट इंटीरियर क्लीनिंग, इफ़ आई गेट सम वे टू क्लीन इट एट होम विदाउट यूजिंग एनी वेरी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, देन प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शंस। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।